चैनल एंड CWL डे 6 इज हियर। अब देख लो ऊपर साइड में आप स्कोर 34-29 वी विक्ट्री एंड वी वॉन बैक टू बैक 6 वॉर्स। आखिरी वॉर चल रहा है वो भी डेफिनेटली विन करके चैंपियन वन तो पक्का हो ही गया है। भले हार भी जाए ना आखिरी वॉर तब भी चैंपियन वन है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे नंबर टू क्लैन और हमारे बीच में स्टिल 20 स्टार का डिफरेंस है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कवर अप कर पाना। एंड अभी हमारा वॉर चल रहा है नंबर थ्री वाले क्लैन से, वो तो 40 स्टार लगभग पीछे, 32-33 स्टार। तो कोई इशू नहीं है, हमने कर दिया है चैंपियन वन। चलो मैं आपको अटैक दिखा देता हूँ, अस्बिन का अटैक दिखा देता हूँ। कल मैंने इन पे लेजेंड में भी अटैक किया था, पता होगा आपको। आई डोंट नो, जो लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको पता होता है। लाइव देखा करो, एवरीडे 9:30 PM हमारा लाइव स्ट्रीम टाइम होता है, तो आया करो, देखा करो, बातचीत करा करो। वीडियो में बातचीत नहीं हो पाती, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा ना, तो एक कनेक्ट फील नहीं होता। तो आप वीडियो देख रहे हो ना, तो लाइव पे भी आना एवरीडे 9:30 PM, ठीक है। और वीकेंड्स में हम करते हैं, दो दिन में भी लाइव करते हैं और रात को 9:30, दिन में 3 बजे वीकेंड्स पे, ठीक है। यहाँ पर सुपर आर्चर करी गई, सुपर बारबेरियन वाला आर्मी था। एंड भाई इस टाइप के बेसिक बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिल जाते हैं, और कॉमनली इनको अटैक भी कर दिया जाता है, और कॉमनली ये 3 स्टार भी हो जाते हैं। हाउ इजी इज दिस, बस इतना ईजी है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सुपर बारबेरियन वगैरह डाला, यहाँ पर किंग डिप्लॉय कर दिया, एंड यहाँ पर इजिली किल आउट भी कर लिया। डन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द परफेक्ट नोड। बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय करा, बेबी ड्रैगन से फनल क्रिएट करा, एंड यहाँ पर सारे हीरोज को टाउन हॉल कंपार्टमेंट की तरफ में मूव आउट करवा दिया गया। सुपर बारबेरियन से क्या करना होता है, जो फनलिंग है वो करना, पाथिंग हीरोज की करना, एंड हीरो डाइवर्ट नहीं, और जो हैवी हिट पॉइंट डैमेज बिल्डिंग वो सुपर बारबेरियन को मारे, और आपके हीरोज लॉन्ग लिव करे, लंबे सर्वाइव करे, यही मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है इस अटैक के अंदर में। बाकी अगर आपने ये कर लिया ना, तो 3 है, आंख बंद करके कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब देख लो भाई, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, क्योंकि कोई ऐसा स्पेल वगैरह तो यूज है नहीं इस अटैक में। नॉर्मली हीरो गए, वॉक करी, सुपर बारबेरियन हर जगह से फनलिंग करा, एंड देखते देखते बेस को कर दिया गया खत्म, टाटा गुड बाय गया। सो इजी अटैक है, करके देखना, बाकी आपकी मर्जी। चलो अब मेरे अटैक दिखा देता हूं मिस्टर वाइडी 69 से, हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन से। यहाँ पर इस बेस में गड्ढा था, तो मैंने पहले तो डाला एक लून, फिर क्या टोर्नेडो ट्रिगर हो गया, मेरे को पॉइजन टावर भी ट्रिगर कराने थे, फिर मैंने डाले 3 लून, दोनों पॉइजन टावर ट्रिगर हो गए, चाहिए ही क्या, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अपर साइड में बेबी ड्रैगन और एक सुपर गॉब्लिन डाला, जिससे एक प्रॉपर यहाँ पर फनलिंग क्रिएट हो जाए अपने लिए। फनल क्रिएट हो गया, डन, एंड नाउ द थिंग बिगेन, द इलेक्ट्रो ड्रैगन एंट्री। तो वहीं से हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन की एंट्री करी, एंड मैंने यहाँ सुपर गॉब्लिन डाल दिया उस गड्ढे में, TH को डाउन कर दिया, ठीक है। अब सारे के सारे सुपर ड्रैगन आ गए, डबल रेज आ गए, किंग क्वीन आ गए, वही ये मोनोलिथ वगैरह पे फ्रीज करा, रेजेस वगैरह किए, रॉयल चैंपियन वगैरह को डिप्लॉय करा, एंड बेस के अंदर में घूमते 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 ये पूरा का पूरा अटैक यहाँ पर हो गया 3 स्टार, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। वी जस्ट गेट दैट बेस डाउन, एंड यहाँ पर CC में से कुछ बैलून वगैरह निकल गए, एंड एवरीथिंग लाइक दैट, डन डन डन, एंड दैट अटैक इज गोइंग टू बी अ 3 स्टार। तो ये हमारा अटैक था, मैंने इस वाले वॉर में 3 3 स्टार किए थे, एक मिस्टर वाइटी से, एक मोंटी राना से, और एक डार्क लॉर्ड से। तो सारे अटैक अमेजिंग हुए, एंड ये बैलून गए, पंच आउट करा, स्प्लैश आउट करा, एंड डन कर दिया खत्म, टाटा गुड बाय, ठीक है। अब ये आखिरी के 3 अटैक है, ये काका का, उसके बाद दोनों अटैक मेरे ही है, ठीक है। तो ये काका जी ने अटैक किया था सुपर बॉलर स्मैश क्वीन चार्ज रिकॉल के साथ, और इंटरेस्टिंग है, क्वीन चार्ज स्टार्ट, ये वार्डन वॉक स्टार्ट किया इन्होंने, क्वीन को भी डिप्लॉय करा, तो 8 हीलर वाला अटैक है। एक साइड से क्वीन से फनल करा, एक साइड से वार्डन से फनल करा, और बीच में डाल दिया पूरा का पूरा आर्मी और लगा दिया आग। क्वीन के ऊपर में फीनिक्स है, एंड यहाँ पर क्वीन रेज में है, तो इजीली स्कैटरशॉट कंपार्टमेंट को यहाँ पर क्लियर डाउन कर दिया, एंड काफी एक अच्छा प्रॉपर यहाँ मैं बोलूंगा फनल क्रिएट कर दिया। फाइनली क्वीन को रिकॉल करके डिप्लॉय कर दिया गया ऑन द 12 o'clock साइड, वार्डन को भी बुला लिया गया, किंग डाल दिया, इलेक्ट्रो टाइटन डाल दिए, सुपर बॉलर डाल दिए, क्वीन ने जो प्रॉपर फनल क्रिएट कर दिया था उस वजह से बॉलर अब कहीं और जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अमेजिंग फनल किया गया है प्रॉपर, एंड सारा का सारा आर्मी अब सेंटर के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता था। लॉग लॉन्चर के साथ में एंट्री करवाई गई, एंड रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय करा गया ऑन द स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट, वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट स्टिल रॉयल चैंपियन डिड वेरी वेल, एंड यहां पर फाइनली TH के ऊपर में आ चुके हैं सब कुछ। बेस को ऐसे खत्म किया है, मतलब बेस में कुछ था ही नहीं यार, हंसते हंसते खत्म कर दिया बेस को, दिखाई नहीं बेस, खत्म, टाटा गुड बाय गया कर दिया, एंड दैट अटैक इज गोइंग टू बी अ 3 स्टार। तो अमेजिंग क्वीन चार्ज, अमेजिंग वार्डन वॉक, अमेजिंग फनल, एंड गेटिंग अ 3 स्टार, लेट्स गो। चलो आगे वाला अटैक दिखाते, डार्क लॉर्ड से मैंने किया था सुपर आर्चर, ला लो ये वाला कुछ बेस था, इसमें हमने
कर दी थी चढ़ाई। यहां पर मैंने एक लावा कुछ लून डाले, बैटल बीम को डायरेक्टली थ्रू कर दिया टूवर्ड्स द टाउन हॉल, इनविजिबल करा, फिर इनविजिबल करा, डबल क्लोन रेज एवरीथिंग लाइक दैट। एंड यहां पर जो भी था सब कुछ अपन ने धीरे धीरे करके टेक डाउन करते गए। बार्बेरियन किंग को टारगेट कर लिया था, जो कि थोड़ा मेरे लिए कहीं ना कहीं गलत था, बट स्टिल टाउन हॉल जैसे ही आ गया ना यहां पर बड़ी तो मजा आ जाता, बट टीएच नहीं आया। फिर अब हमारा सेकंड अप्रोच था, यहां से मैंने डाला किंग क्वीन जाइंट और ग्रैंड वार्डन, बिकॉज अपने पास वार्डन अलाइव था तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज थी। मैंने अपर साइड से लालो अर्लियर स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को अब साइड क्लियरिंग करना ही था, कुछ बैलून हमने बचा लिए एंड लालो को स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय करा, बट रॉयल चैंपियन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत साइड चला गया था, बट वही मेरे लिए प्रॉब्लम था। रॉयल चैंपियन ने जाकर टीएच को नहीं टेक डाउन किया, बाकी फिर एट द एंड हीरोज गए एंड मैंने कुछ बंच ऑफ बैलून्स को डिप्लॉय किया टूवर्स द एक्सबो एंड ये अटैक देखते ही देखते मेरे हीरोज ने घूम घूम के 3-star कर दिया एंड वी गेटिंग अ 3 एंड वी आर हैप्पी इन दिस अटैक डन एंड अ 3-star। चलो अब आगे वाला अटैक दिखा देता हूं मैं आपको जो मैंने किया था मोंटी राणा से मेरे अकाउंट से, एंड ये बेस था, इसमें अपन को कुछ नहीं करना था, सुपर आर्च ला लो करना था। यहां से लावा के पीछे मैंने ब्लिम भेज दिया क्योंकि इसमें वार्डन एबिलिटी यूज करने जैसा तो कुछ था ही नहीं, ब्लिम के ऊपर में यहां पर एक ब्लैक माइंड लग गई अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल यहां पर हमने करा इनवेज, वेट करा, फिर इनविज किया, फिर वेट किया, डबल क्लोन रेज एवरीथिंग। एंड अब यहाँ वैल्यू देखना मेरी सुपर आर्चर का, यहाँ पर भाई स्कैटर शॉट गए, मल्टी इन्फर्नोस गए एंड भाई देखते देखते बेस का जो कोर था ना वो मैं पूरा का पूरा मेन जो की डिफेंसेस थे वो सब हमने देखते ही देखते गायब कर दिया। अपोनेंट का बार्बेरियन किंग भी गायब कर दिया, एक्सबो एयर डिफेंस लॉट्स ऑफ थिंग यहाँ पर एक साथ टारगेट करी मेरी सुपर आर्चर ने एंड मेरे को दिला दिया बहुत ही अमेजिंग सा लीड। यहां हमने डाला बेबी ड्रैगन किंग क्वीन आइस गोलम, एक प्रॉपर फनल करने के बाद में डिप्लॉय कर लिया, सारा सीसी कॉर्नर गया, वहां पर वॉल ब्रेक वगैरह मैंने कर दिए ताकि पूरा ओपन हो जाए पाथिंग। एंड यहां पर लालो करा विद द वार्डन ऑन द टीएच, ठीक है लालो इस बार मैंने टीएच के ऊपर किया क्योंकि मेरे को पता था हीरो वोस वाली साइड तो क्लियर कर ही देगी। यहां पर वार्डन का एबिलिटी यूज करा, रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय कर लिया, फाइनली टीएच के ऊपर में गए बैलून, बैलून ने टीएच को टेक डाउन कर दिया, ज्यादा कुछ अटैक के अंदर में बचा ही नहीं था, वार्डन एबिलिटी यूज कर क्या एंड रॉयल चैंपियन एबिलिटी यूज कर लिया, फाइनली फिर क्वीन का एबिलिटी स्वैग हो गया और ये अटैक हो गया 3-star। तो ये था मेरा अटैक एंड चलो आखिरी दिन का वीडियो आने वाला है कल, द डे 7 इज टुमोरो एंड द प्रमोशन टाइम इज टुमोरो गाइस, टुमोरो मीन्स आज ही आ जाएगा, प्रमोट हम आज ही हो जाएंगे। बाकी ये था वॉर एंड अभी हम 1 पे है, राउंड 6 का स्कोर मैं आपको दिखाऊं तो 34-29, 34-34, 33-30, 31-30 ये सारे स्कोर रहे। एंड अभी डे 7 का भी थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं आपको, तो स्टिल अभी हमारी टीम ने स्कोर करे है 6 में 14, अपोनेंट ने किए 9 में 20, विन हम यहां भी कर लेंगे वो भी बिना किसी दिक्कत के, और यहां नंबर 4 को एटीट्यूड ब्रेक ने 3 किया, नंबर 15 को मैंने 3 किया है और बाकी बस ऐसा ही चल रहा है। ये वाली वीडियो कल आएगी, सब्सक्राइब नहीं किया है कल, मिलते अगले एपिसोड में, क्लैश ऑन मेनाइज डे, क्लैश आई लव यू ऑल।